छत्तीस कलम की पतवा से बने तो मर मिलेगी और इसको मरते समय पानी की नसीब नहीं होगी इसको। सो गलो से बड़ा निकम्मा इस राजस्थान की धरती पर कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। निकम्मा नरभक्षी, इसकी ताबूत में तो अंतिम कील मैं ही ठोकूंगा। ये शब्द इस समय राजस्थान की जनता सुन रही है और ये शब्द हैं राजेंद्र गुड़ा के। और ये किसके लिए कहे जा रहे हैं ये भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ये कहे जा रहे हैं प्रदेश के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए। 22 जुलाई की वो घटना सभी को याद है जब सरकार की ओर से राजेंद्र गुड़ा को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया था। उसके बाद राजेंद्र गुड़ा ने विधानसभा में लाल डायरी लहराई। तब से ही लाल डायरी लगातार एक हॉट इशू बना हुआ है कि आखिर इस लाल डायरी के पन्नों में कौन से राज छिपे हुए हैं, लेकिन अभी तक भी कोई राज बाहर नहीं आया। 22 जुलाई को ये पूरा घटनाक्रम हुआ था। उसके बाद 9 सितंबर को राजेंद्र गुड़ा ने शिवसेना का दामन थामा था। शिवसेना का दामन थामने के बाद राजेंद्र गुड़ा के जो शब्द थे वह अपनी मर्यादा से बाहर आ गए। लगातार वह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस सरकार के मंत्रियों पर निशाना साध रहे हैं। भरी सभा की अगर बात की जाए तो भरी सभा में लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को टारगेट किया जा रहा है। उनको नरभक्षी कहा जा रहा है, उनको निकम्मा कहा जा रहा है। इसके साथ ही जो उनके खिलाफ शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है ये इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राजेंद्र गुड़ा टारगेट कर रहे हैं। पाँव रख के कुंभाराम लिफ्ट का पानी सैंक्शन करवाया।
आपने ये वीडियो देखा। इस वीडियो में राजेंद्र गुड़ा कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर वाटी के हिस्से का पानी हजम कर रहे हैं। देखिए, कुंभाराम लिफ्ट परियोजना का टेंडर हो चुका है और राजेंद्र गुड़ा ये आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस परियोजना को पूरा नहीं होना देना चाहते और वह उदयपुर वाटी का पानी कहीं ना कहीं जनता के हक का पानी छीन रहे हैं। ये वीडियो काफी वायरल हुआ, लगातार राजेंद्र गुड़ा की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा गया। लेकिन एक दिन पहले एक और वीडियो आया जिसमें फिर से लाल डायरी का किस्सा निकल कर बाहर आया। ये वीडियो भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए, कुमाराम लिफ्ट का जो टेंडर हो गया और टेंडर होने के बाद L&T कंपनी को टेंडर भी हो गया, उसके बाद में अशोक गहलोत जानबूझ के उसका काम नहीं होने दे रहे। ये जनता पानी के लिए उदयपुर वाटी की जनता पूरी की पूरी परेशान है, बरसों से इंतजार कर रही थी। हम इस मामले के में अंदर कहते हैं अशोक गहलोत से बड़ा निकम्मा इस राजस्थान की धरती पर कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। लाल डायरी का जिक्र किया है, पार्ट टू कब आएगा लाल डायरी? देखिए, पार्ट नहीं, कांग्रेस का MLA हूँ, निकाल बार क्यों नहीं निकाल रहा। कांग्रेस पार्टी में हूँ, निकाल क्यों नहीं रहा? अभी देखना, अभी आपको पता है कि उसके अंदर अशोक गहलोत जेल में जाएगा। उदयपुर वाटी की जनता के साथ अशोक गहलोत अन्याय कर रहे हैं। जब कुमाराम लिफ्ट का टेंडर होने के बाद L&T कंपनी को काम नहीं करने दे रहा, ये काम आज से 2 महीने पहले 3 महीने पहले काम चल जाना चाहिए था। पहले टेंडर को रोका, टेंडर खुल गया तो उस कंपनी को रोक रहा, काम नहीं करने दे रहा। आचार संहिता लग जाए 3 दिन में 2 महीने लेट हो जाएगा। जेठ के महीने में, मई जून के महीने में हमारे लोगों को पानी नहीं मिलेगा। ये नरबख्शी है, एक नंबर का अशोक गहलोत। इसने बलराम जाखड़ को चलता है, नेटवर्क सिंह को चलता है, गेहूं को चलता है, इसने ओड़ाओं को चलता है, इसने खेत सिंह राठौड़ को चलता दिया, गुलाब सिंह सत्तावत को चलता दिया, हरदेव जोशी, नवल किशोर शर्मा को चलता दिया, चंदन मल बैद को चलता दिया। मैं इसके बाबू आखिरी मैं ठोकूंगा इसके आखिरी। तो आपने ये वीडियो देखा, राजेंद्र गुड़ा साफ कह रहे हैं कि लाल डायरी उनके पास है और इस लाल डायरी में कई ऐसे राज छिपे हुए हैं जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी सरकार को बर्बाद करने के लिए काफी है। इसके साथ ही राजेंद्र गुड़ा ने भरी सभा में यह भी कहा कि सरकार के पोमेलियन कुत्ते मुझे क्या काटेंगे, यानी कि ये उन लोगों को सीधा निशाना बनाया गया है जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी हैं। इसके साथ ही दोनों वीडियो में आपने देखा होगा कि राजेंद्र गुड़ा किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो प्रदेश के मुखिया हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। लगातार उनका अपमान भरे मन से किया जा रहा है। हालांकि राजेंद्र गुड़ा की अगर बात की जाए तो शुरू से ही वो मुखर रहे हैं, किसी भी बात को दबंगता से कहने के लिए जाने जाते रहे हैं। लेकिन बर्खास्तगी और शिवसेना का दामन थामने के बाद जिस प्रकार की भाषा शैली राजेंद्र गुड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं वो पूरा देश देख रहा है। इसके साथ ही सरकार में बैठे हुए वो लोग हैं जो राजेंद्र गुड़ा पर बात नहीं करना चाहते हैं, अब उनको भी ये शब्द चुभने लगे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि चुनावी साल है, आचार संहिता लगने में महज कुछ ही समय बचा है, तो क्या राजेंद्र गुड़ा की लाल डायरी का जो शगुफा है वो धरातल पर उतरेगा या ये शगुफा सिर्फ और सिर्फ बयानों तक सीमित रहता है। ऐसे में अब इंतजार रहेगा लाल डायरी के उन पन्नों का खुलने का। साथ ही ये भी देखना होगा कि सरकार की ओर से राजेंद्र गुड़ा की इस भाषा शैली को लेकर उन पर क्या कार्रवाई की जाती है। आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज़, मैं हूँ ललित वर्मा।